मेरा नाम साहिल है, ठीक है। मेरी एज 25 इयर्स है और जो मेरे को किडनी दिया वो मेरी मदर ने दी है। मेरे ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, ठीक है। लेकिन जो मेरे को फील हुआ है कि ट्रांसप्लांट से पहले जो लाइफ थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉर्मल हो जाते हैं। जो नॉर्मल लाइफ हमारी पहले होती थी ना, जब हम पेशेंट नहीं थे, उससे पहले जो लाइफ होती थी वो अब जो लाइफ है ना वो बेटर लाइफ है, क्योंकि हम पहले की तरह रह रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत परहेज हो जाते हैं हमारे, कि थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि मास्क हमेशा पहनो, ठीक है, धूल मिट्टी वाली जगह पे मत जाओ ज़्यादातर, ठीक है। ये थोड़ी सा अपना खुद का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें जो लाइफ वो बेटर है। ट्रांसप्लांट दवाइयाँ सर एक्चुअली क्या होती है कि मॉर्निंग में हमको 4 से 5 दवाई होती है, ठीक है, इवनिंग में भी 4 से 5 होती है। क्या लगता है, नहीं दवाइयाँ लाइफ टाइम रहेंगी सर, दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती है, लाइफ टाइम दवाइयाँ चलेगी। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे कम हो जाती है, 1 या 2 या 3 पे, 2 पे आ जाती है मोस्टली। बिल्कुल ठीक नहीं सर, तीन रंग एक दार निकाल लूंगा, घर का काम सारा करो, कोई परेशानी नहीं। क्रोनिक किडनी डिजीज यानी CKD के कारण किडनी खराब होने के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों में इससे जुड़ी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। लिहाजा मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग ने इससे जुड़ा एक जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया। पिछले एक दशक में CKD से पीड़ित मरीजों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है और यह लगातार तेजी से बढ़ रही है। भारत में किडनी रोग बढ़ाने वाले कारकों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन प्रमुख वजह है, जिस कारण CKD के 60% से ज्यादा मामले बढ़े हैं और जिस खतरनाक तेजी से यह बढ़ रहा है उससे लगता है कि इन मामलों का विस्तार और तेजी से होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज अरोड़ा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज हम बात करना चाहेंगे कि किडनी डिजीज इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। इसलिए बिकॉज हमारे देश में शुगर और BP के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आगे चल के इनमें से बहुत सारे पेशेंट किडनी डिजीज़ के पेशेंट पात्र होते हैं। बहुत बार किडनी डिजीज़ जो है बार बार इन्फेक्शन से होती है, बार बार स्टोन्स होते गए और किडनी को डैमेज करते गए, या आपने कुछ इस तरह की दवाइयाँ खाई जैसे कि पेन किलर्स या बार बार कोई एंटीबायोटिक्स जिन्होंने किडनी पर प्रभाव डाला और आपको पता नहीं चला और आगे चल के आप एक परमानेंट किडनी फेलियर पेशेंट बन गए। बहुत सारे डिजीज़ को अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लें तो हम किडनी डिजीज़ से बच सकते हैं, या किडनी डिजीज़ डायग्नोज हो जाए तो हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। बहुत मेडिकल दवाइयाँ आ चुकी हैं जो कि डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट में हम देते हैं, जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ बहुत लेट तक, आप किडनी पेशेंट तो रहेंगे लेकिन हम डायलिसिस ट्रांसप्लांट की बात आपसे नहीं करेंगे। तो सारी मेहनत जो है उसी पे होनी चाहिए। पहली बात कि आप किडनी पेशेंट ना बने, हम तो यही चाहेंगे। फिर अगर आपको किडनी डिजीज़ आए तो हम चाहेंगे आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, लेकिन दवाइयों के माध्यम से, और इन किडनियों को लंबा चलाने के लिए हम मेहनत करें। जब ये किडनी बिल्कुल ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए कि हमारे पास विकल्प ना बचे, चाहे वो 10 साल 15 साल जितने भी साल लगे, तब हमें बात करनी चाहिए आपसे कि अब हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए सोचें। तब उस अप्रोप्रिएट टाइम पे हम इस बारे में तब बात करते हैं। बट डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट आपको बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ देता है देन डायलिसिस। इस बात को आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आप हमारे साथ बात करके इसको जान सकते हैं, आप रियल टाइम जो हमारे डोनर हैं, जो रेसिपिएंट हैं जिनको किडनी मिली, उनसे बात कर सकते हैं, उन सबके नंबर से बात कर सकते हैं, ताकि अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़े तो आपके पास विकल्प से पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये सच है। और सच का मुझे लगता है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सच पर ही विश्वास करें और टाइम से आके मिले और टाइम पे अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वैद्य जमन, डायरेक्टर यूरोलॉजी और रिनल ट्रांसप्लांट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग से। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि एक बार किडनी फेल हो गया है, स्टेज 5 डिजीज है जिसको ESRD कहते हैं, तो 2 विकल्प रहते हैं, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। शुरू में लाइफ बचाने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में डायलिसिस तो करवाना ही है, पर यह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। यदि जैसे आपने देखा जितने यंग लोग हैं और इवन एल्डरली आजकल आ रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है वो ट्रांसप्लांट से मिल सकती है। डायलिसिस से लॉन्गजीविटी नहीं है, लंबे समय तक लाइफ नहीं चल सकती, उसके कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, वो काम से दूर ही रहेगा।
जबकि ट्रांसप्लांट से वो अपने काम में वापस लौटेंगे। डायलिसिस से लॉन्गजीविटी नहीं है, लंबे समय तक लाइफ नहीं चल सकती, उसके कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, वो काम से दूरी रहेगा। जबकि ट्रांसप्लांट से वो अपने काम में वापस लौटेंगे। थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, कुछ दवाइयाँ लेनी है, लाइफ सेविंग 3 दवाइयाँ होती हैं, उनको जरूर लें और रेगुलर डॉक्टर के सलाह में रहें, नेफ्रोलॉजिस्ट से रेगुलर मिलें। इससे डेफिनेटली ट्रांसप्लांट वो किडनी की आयु बढ़ेगी। ऑन एन एवरेज हम लोग मानते हैं 12 से 15 साल एवरेज लाइफ होती है ग्राफ्ट की, आज किडनी की। और बाकी यदि वो किडनी भी फेल हो जाती है 12 से 15 साल एवरेज जो ले रहे हैं, तो फिर दूसरा ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। आजकल तो तीसरा ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं यदि डोनर अवेलेबल है। तो ट्रांसप्लांट डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है। डायलिसिस से डरना नहीं है। कई बार लोग, एक मिथ होता है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो मतलब हम जिंदगी भर है, या ऐसा नहीं है। जैसे हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि एक्यूट कंडीशन में डायलिसिस मस्ट है जान बचाने के लिए। एक बार वो सेटल हो जाता है, ये डायग्नोसिस हो जाता है कि अब CKD SRD है, स्टेज 5 डिजीज है, आगे कुछ नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो रहा है, फिर हम लोग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। परिवार के लोग आगे आए, अंगदान महादान है, और इवन मरणोपरांत भी हम यदि अंग को डोनेट करते हैं तो 7 से 8 लोगों की को नई जिंदगी दे सकते हैं। ये संदेश हमारे समाज में फैलना चाहिए कि इवन मरने के बाद भी हमारे अंग काम आ सकते हैं और लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। यदि वो लोड हमने कम कर दिया तो वाकई में लाइफ ट्रांसप्लांट के की डोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक फिगर देना चाहता हूँ, इंडिया में 2 लाख ट्रांसप्लांट की जरूरत है हर साल। 350 सेंटर है इंडिया में, 350 से ऊपर, और मुश्किल से हम लोग 10,000 करीब ट्रांसप्लांट करते हैं एक साल में पूरे इंडिया में। तो ये क्या दर्शाता है, जबकि दूसरे कंट्री में ऑलमोस्ट 95-100% कैडेवरिक ट्रांसप्लांट होता है वहां के, और इतना ज्यादा डोनेशन होता है जो दूसरे कंट्री में सप्लाई करता है ऑर्गन को। तो शायद हम लोग यदि इंडिया में ये ठान लें तो इंडिया किसी चीज में पीछे नहीं हो सकती। हम लोगों का पॉपुलेशन ही हम लोगों का सबसे बड़ी शक्ति है, और यदि कैडेवरिक डोनेशन प्रोग्राम और स्ट्रांग होता है, लोग और आगे आए अंगदान करने के लिए। ये मरणोपरांत है, लोग ये नहीं समझे कि जीते जी देना है। यदि किसी का रोड एक्सीडेंट, स्ट्रोक होके ब्रेन डेथ होती है, ऐसे अंगों को ही लिया जाता है, तो इससे एक डोनर पुल बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसप्लांट होंगे और लोग स्वस्थ रह पाएंगे।